यूपी के लखीमपुर खीरी विधायक थप्पड़ कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। सदर विधायक योगेश वर्मा की विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लखीमपुर खीरी के 4 भाजपा नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। किन नेताओं पर यह कार्रवाई की गई है और क्या हवाला दिया गया है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है विधायक की विधानसभा अध्यक्ष और सीएम से मुलाकात के बाद? किन 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है और क्या कार्रवाई की गई है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी बात है। सुबह से ही आई इंडिया इस खबर को बता रहा है कि आज कुछ घटनाक्रम बड़ा होने वाला है और ये लगा था कि आज कुछ ना कुछ निर्णय होने वाला है और कोई बड़ी खबर शाम तक आ सकती है। उस बड़ी खबर में ये खबर सबसे इंपॉर्टेंट आई इंडिया सुबह से दे रहा था कि 1 बजे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से योगेश वर्मा कई विधायकों के साथ मिलेंगे और साथ में शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात लगभग 5:30 बजे हुई है लखनऊ में और उसके बाद तत्काल कुछ ही देर के बाद एक पत्र आ गया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। जो पत्र हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं, इस पत्र के अनुसार श्रीमती पुष्पा सिंह, श्री अवधेश सिंह, श्री अनिल यादव और श्रीमती ज्योति शुक्ला, जिनका हवाला उस पत्र में पहले दिया गया था, ये पत्र पहले भी गोविंद नारायण शुक्ला विधायक प्रदेश महामंत्री मुख्यालय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने दिया था, जिसमें लिखा था कि 2 दिन में ये सभी लोग इस घटना जो विधायक थप्पड़ कांड इस पर स्पष्टीकरण देंगे। और अभी अभी जो ये पत्र प्राप्त हुआ है, इसमें सीधे सीधे लिखा है पत्र के अंदर कि इन लोगों को इस पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और हम अपने दर्शकों को ये पत्र बिल्कुल सुनाना चाह रहे हैं जिससे दर्शक जाने इस पत्र में क्या लिखा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लेटर पैड पे ये पत्र है और अभी जारी हुआ है 14/10/2024 को। और इस पत्र में पहले जो पत्र दिया गया है, पत्र संख्या 57 बीजेपी यूपी 2024, उसका हवाला दिया गया है श्रीमती पुष्पा सिंह, श्री अवधेश सिंह, श्री अनिल यादव, श्रीमती ज्योति शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी, ये हेडिंग इस पे पड़ी हुई है। उसके बाद लिखा है आपको पत्र संख्या 56 बीजेपी यूपी 2024 दिनांक 10 अक्टूबर 2024 के क्रम में उपरोक्त सभी का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है। ये अवधेश सिंह जी से भी मेरी बात हुई थी, उनका कहना था दोपहर को कि हमने स्पष्टीकरण भेज दिया है। उसके आगे लिखा गया है कि दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को जिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव नामांकन प्रक्रिया में आप लोगों द्वारा माननीय सदर विधायक श्री योगेश वर्मा जी व अन्य के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। फिर लिखा है आप सभी द्वारा किया गया कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। फिर उन्होंने लिखा है सम्यक विचार उपरांत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया गया है कि उनके निर्देशानुसार श्रीमती पुष्पा सिंह, श्री अवधेश सिंह, श्री अनिल यादव, श्रीमती ज्योति शुक्ला को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। नीचे हस्ताक्षर है भवती गोविंद नारायण शुक्ला विधायक प्रदेश महामंत्री मुख्यालय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। इसको प्रतिलिपि सूचनार्थ दी गई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय प्रभारी क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र मतलब कमल मिश्रा, उसके बाद जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर खीरी। अब ये पत्र जो अभी वायरल हुआ है ये बहुत ही गंभीर है और जैसा कि आई इंडिया प्रियांशु जी आप भी सुबह से इस खबर पे लगे थे, आपने भी ये बताया था कि आज कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है और निश्चित तौर पर लग रहा था कि आज जो आई इंडिया ने बताया था कि शायद पार्टी निष्कासन की कार्रवाई कर सकती है, ये आई इंडिया के सूत्र थे और वो परिणाम शाम तक आ गया। अब दूसरा पहलू उसमें देखेंगे प्रियांशु जी कि आज सुबह से जो उहापोह और उठापटक का दौर चला उसका भी संदर्भ यहाँ पे हम दे रहे हैं कि एक तरफ जहाँ व्यापार मंडल ने दुकानों बंद की थी, एफआईआर की बात की थी, अभी तक एफआईआर नहीं हो पाई है लेकिन ये कार्रवाई आज हो गई है। एफआईआर का अभी मुद्दा पेंडिंग है, जो सतीश मुहाना जी से कहा गया था कि वो चाहते हैं कि संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो और जो नामित लोग हैं इनको जेल भेजा जाए
और साथ ही इनकी सदस्यता भी निलंबित की जाए या इनकी सदस्यता को बर्खास्त किया जाए, एक मांग उनकी आज पूरी हुई है। योगेश वर्मा ने जो मांग की थी उसकी, लेकिन राजू अग्रवाल का मैटर जिसके लिए सब चल रहा है वो अभी पेंडिंग है। अब दूसरा पहलू प्रियांशु जी यहाँ पर, सुबह जो अधिवक्ता संघ की बात हम लोग कर रहे थे अवधेश सिंह ग्रुप की, कि जो सुबह उन्होंने प्रस्ताव दिया था, शाम होते होते जो तमाम तरह के अनर्गल विचार और अनर्गल अफवाहें चल रही थी उसमें कई वकीलों के नाम आई इंडिया ने बताए थे, जिन्होंने पत्र भी भेजा था कि सुबह जो अवधेश सिंह ने वहां पे प्रस्ताव दिया है उसके अंदर वो चीजों में दो फाड़ हो गए हैं, लेकिन चूंकि शाम होते होते वो प्रस्ताव पास कर दिया गया था और वो प्रस्ताव चला गया है जिला जज के पास, जिसकी भी रूपरेखा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सुबह जो अफवाहें थी उसमें था कि पुष्पा सिंह और साथ में ज्योति शुक्ला ये यहाँ की मेंबर नहीं है, इस कारण से इस पे विवाद चल रहा था, लेकिन ये अफवाह ही साबित हुई। शाम को जब बात हुई अवधेश सिंह से और उनके कार्यकारी अध्यक्ष से जब बात हुई तो उनका कहना था कि इस मैटर में इसकी आज जो आहूत की गई थी मीटिंग वो नहीं थी, वो मीटिंग थी जो अनर्गल धमकी दी गई थी अवधेश सिंह को मारने की, अभद्रता की, और साथ ही एक पत्रकार को धमकी फोन पे दी गई थी कि वो किसी भी तरीके से ये खबरें अवधेश सिंह की न चलाएं, करनी सेना की न चलाएं। इन सब चीजों को लेके जो अवधेश सिंह को धमकी मिली थी उसका प्रस्ताव था जिसको ध्वनिमत से पास कर दिया गया है। रही बात जो विश्वास श्रीवास्तव महामंत्री थे उस सभा में नहीं थे, उनका कहना था उनको इस प्रस्ताव को पढ़ने के लिए अध्यक्ष ने कहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सभा से चले गए थे, वहां पे नहीं थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वकील बहुत बड़ा दो गुट में हो गए, उनका कहना था हाँ कुछ वकील ऐसे हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं जो उनके फेवर के लोग हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर वकील चाहे बुजुर्ग हों बड़े हों वो सब इस प्रस्ताव के फेवर थे और इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पास कर दिया गया, जो आईडिया अपने उस पर दिखा भी रहा है। साथ ही प्रियांशु जी ये जो घटनाक्रम शाम तक हुआ है इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी आई इंडिया की तरफ से, आज कोई बड़ी कार्रवाई होगी और कोई ना कोई आज निष्कर्ष शाम को निकलेगा, तो ये एक बड़ी कार्रवाई में आया था और जनता इसको देखना चाह रही है कि अभी जो ये बिल्कुल समाचार मुश्किल से 10 मिनट और 5 मिनट के अंदर आया है, इसकी पुष्टि एक पत्र आने से बीजेपी के वो भी हो गई है। इन सब चीजों को लेकर एक बड़ा फेरबदल हो गया है कि यहाँ अधिवक्ता जो अवधेश सिंह थे जिला पार्षद अध्यक्ष, इनको उनके साथ उनकी पत्नी पूर्व अर्बन कॉपरेटिव बैंक की अध्यक्ष पुष्पा सिंह, अनिल यादव, ज्योति शुक्ला, इनको भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यानी इनको बर्खास्त कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। ये जो 5 दिन से घटना पर चल रहा था इसमें आज 5वें दिन ये चीज आई है, आई काफी लेट है, लेकिन काफी जांच पड़ताल या उस चीज को कहें कि इतना व्यस्तता थी शीर्ष नेतृत्व की, इस कारण से इसमें विलंब हुआ, लेकिन फिलहाल आज ये जो खबर है ये आई इंडिया दिखा रहा है, इसको बहुत ही ज्यादा लोग देखना चाह रहे हैं और ये खबर बिल्कुल पुख्ता खबर है कि ये कार्रवाई एक हुई है। योगेश वर्मा जो जिसके लिए आंदोलन कर रहे थे, अभी उनकी और मांगों में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि अभी राजू अग्रवाल और योगेश वर्मा और एक और तहरीर जो तीसरी गई थी अवधेश सिंह के फेवर में या उनके समर्थन में, ये अभी मामले सब पेंडिंग है प्रशासन के सामने, लेकिन एक कार्रवाई जो उनकी थी कि इनको तत्काल पार्टी से बर्खास्त किया जाए, वो एक मांग इनकी जरूर पूरी होती नजर आई है। जी प्रियांशु जी, जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है लखीमपुर खीरी के विधायक थप्पड़ कांड से जुड़ी हुई, और तमाम उठा पटक के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसने बड़ी कार्रवाई की है, और ऐसा सुबह से ही संभावना जताई जा रही थी कि आज जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है, किसी पर भी हो सकती है, ये आशंका भी जताई जा रही थी और लोग चर्चाएं भी कर रहे थे, और कुछ वैसा ही देखा गया। सदर विधायक योगेश वर्मा करीब 25 विधायकों के साथ पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिले थे और उनसे अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह पर जो है को पार्टी से बर्खास्त करने की उन्होंने मांग की थी, कार्रवाई की मांग की थी और मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की थी, और इसके बाद माना जा रहा शाम को 5 बजे उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई, और जैसे ही मुलाकात ये खत्म हुई एक लेटर आया भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें गोविंद नारायण शुक्ला जो प्रदेश महामंत्री हैं और मुख्यालय प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की पूर्व चेयरमैन है पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह जो बार अध्यक्ष लखीमपुर हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, और इसमें लेटर में एक हवाला दिया गया है कि विधायक के साथ जो
नामांकन प्रक्रिया में जो बर्ताव हुआ वो अभद्र व्यवहार उसे कहा जाएगा, और यह जो कृत्य है वो घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। जिसके बाद आपको बता दें कि एक कड़ी कार्रवाई की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला, ये चारों भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेतनी हैं और इन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। तो फिलहाल आगे अभी इसमें उठापटक चल रही है सर, और भी कई तरह के मामले अभी आएंगे, और पूरे घटनाक्रम पर आप निगाह बनाए रखिए। जैसे हम सारी खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आगे की जो अपडेट होगी वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।